नमस्कार सर। सर नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नरेश दास है। नरेश जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सर दिल्ली में सुल्तानपुरी सी ब्लॉक में रहता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? 18 जुलाई 2014 में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ सर भक्ति करते थे, नाम नाम की भक्ति करते थे और जो दिखावटी जो अपने तीरथ, मैं ईसा मसीह को मानता था और बाइबल पढ़ता था। सर जो भक्ति साधनाएं आप करते थे उनसे क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? सर भक्ति साधना हम करते थे पहले, उससे कोई लाभ तो होते नहीं थे, उल्टा हमारे को घर में दिक्कतें, परेशानी, घर में लड़ाई झगड़ा और बहुत सी दिक्कतें थी जो हमें आती थी हमारे जीवन के अंदर। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर मेरे बड़े साले हैं, सन्नौट गांव में रहते हैं नरेला जिला में, तो मैं पहले इससे पहले ईसा मसीह को मानता था और बाइबल पढ़ता था, तो वो मुझसे मेरे बड़े साले कहते थे कि भाई नरेश और कहीं भागना दौड़ना है तो और दौड़ ले, फिर तुझे मैं ऐसी जगह ले जाऊँगा फिर वहाँ से दोबारा तुम कभी भी वापसी वहाँ जा नहीं पाओगे, आप ऐसी भक्ति साधना परमात्मा बताएंगे आपको हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज। तो मैं इसको इग्नोर करता था हमेशा, तो बाइबल पढ़ता था और चर्च में जाता था। हम 1.5-2 साल हम चर्च में गए, झगड़ा तो खैर हमारे घर में होता ही था, किसी भी कारण झगड़ा बनता हमारे घर में, किसी भी कारण, पापा से, मम्मी से, भाइयों से, बहनों से, तो हमारी बनती नहीं थी, मियाँ बीवी हम दोनों परेशान थे। तो एक दिन मैं अपने परिवार से, अपने पापा मम्मी से लड़ाई झगड़ा करके और अपने ससुराल चला गया। ससुराल जाने के बाद मेरे साले ने मुझे बताया कि भाई अब तू चल, तेरा टाइम आ गया, सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में चल और उनसे नाम दीक्षा ले और परमात्मा दया करेंगे सतगुरु रामपाल जी महाराज, और पूरे विश्व में और कोई आपको संभाल भी नहीं सकता। तो सर मैं वहाँ गया, मेरे इतनी टेंशन थी और इतनी दिक्कतें थी, मैं संभाल नहीं पाता अपने आप को भी और ना अपने घर बच्चों परिवार को भी, इतना परेशान था मैं, कभी कभार सोचता कि मैं किसी को मार दूँ या खुद मर जाऊँ, माइंड में ऐसी ऐसी भावनाएँ हमारे मन के अंदर आती थी। तो मेरे साले मुझे ले गया बरवाला, हिसार बरवाला में आश्रम में, मैं फर्स्ट टाइम गया था मैं, और वहाँ देखा मैंने तो बहुत बड़ा मतलब वहाँ पर स्थान बना था परमात्मा का, सतगुरु रामपाल जी महाराज का। तो मैंने देखा वहाँ पर लाखों आदमी भंडारा कर रहे हैं, बैठे हुए हैं और परमात्मा की चर्चा कर रहे हैं, सतगुरु रामपाल जी महाराज की, जहाँ देखो वहीं चर्चा हो रही परमात्मा की, सतगुरु रामपाल जी महाराज की, हमें ये लाभ हुआ, हमें ये लाभ हुआ। तो मैं अंदर गया तो मेरा माइंड बिल्कुल ब्लॉक हो गया, मैं क्या करूँ, सर में दर्द बहुत ज़ोर से हो रहा और घर की स्थिति सोच रहा मैं क्या करूँ, मेरा आ गया क्या हुआ मेरे जीवन के अंदर। जो सतगुरु रामपाल जी महाराज के शिष्य थे वहाँ सब बैठे हुए थे, तो वो बता रहे थे वहाँ, मैं बैठा सुन रहा था वहाँ, मैं जानता भी नहीं कौन थे वो कौन नहीं, कम से कम 12-13 आदमी वहाँ बैठे हुए थे और वो समझ बता रहे कि भाई मेरे अंदर 70 भूत थे, और कोई कह रहा मैं ऐसे सर में ना अपना पकड़ पकड़ के अपने घर के दीवारों में मारता था बहुत ज़ोर ज़ोर से, और मैं देख सुन रहा वहाँ पर भाई कैसे कैसे लाभ बता रहे हैं भाई, मेरे पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं वो। तो मेरा बड़ा साला आया, कह रहा भाई अब आया तो परमात्मा की शरण में, सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में तो आया, तो नाम देख ले चल जाइए यहाँ से भाई। तो मैं जो टेंशन होगी, मैंने कहा भाई अगर आया हूँ इतनी दूर तो नाम लेके ही जाऊँगा सतगुरु रामपाल जी महाराज से। अब तो मैं गया, नाम दीक्षा ली मैंने। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ सर जरूर बताऊँगा मैं मुझे क्या क्या लाभ हुए हैं। मैंने नाम दीक्षा ली परमात्मा से, सतगुरु रामपाल जी महाराज से, डॉक्टर ने मुझे बताया मेरा वो अल्ट्रासाउंड करा था मेरा, तो मेरे गुर्दे में 6 mm की पथरी थी राइट साइड में और लेफ्ट साइड में थी 4 mm की। मैं उससे बहुत ज़्यादा पीड़ित था, बहुत परेशान था उस पथरी से, मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता था। तो मैंने नाम दीक्षा ली, परमात्मा का आशीर्वाद लिया, सतगुरु रामपाल जी महाराज ने मेरे सर पर हाथ रखा, पंजा रखा, वो दर्द और वो पथरी आज 6 साल हो गए हैं, मुझे ये नहीं पता वो दर्द गया कहाँ है और पथरी, वो दोनों की दोनों पथरी गई कहाँ, मुझे खुद नहीं पता, मैं बिल्कुल मतलब इस दर्द से मतलब दूर हो चुका हूँ मैं। और सर दूसरा लाभ, मेरा हाथ टूटा हुआ था सर, 15 साल पुरानी चोट थी मेरे हाथ में, मैं पेड़ पर लटका हुआ था एक बार, तो पेड़ की जब मैं डाली टूट गई तो मेरा नीचे ना गिरा, तो हाथों के बल गिरा था मैं, तो मेरे दोनों हाथ ही है ना ये दोनों मुड़ चुके थे और यहाँ से इतनी ऊँची हड्डी थी, इतनी ऊँची कम से कम 1 inch हड्डी मेरी हाथ की राइट साइड की उठी हुई थी, 15 साल हो गए थे मेरे उस हड्डी को उठी हुई को, वो बैठती नहीं थी कभी भी, मैंने बहुत दवाइयाँ खाई, प्लस्तर भी करवाया था मैंने, तो वो ठीक नहीं हुई थी हड्डी, 15 साल पुरानी चोट। तो मैं एक बार आश्रम में बैठा हुआ था
तो सदगुरु रामपाल जी महाराज के शिष्य थे वो, उसने आया बताया कि भाई आपके के शरीर में आप कहीं चोट वोट लगी है आपके। मैं कहा जी हाँ चोट तो लगी हुई जी, मैं जानता भी नहीं कौन था वो। तो उसने कहा कि हलवा प्रसाद आप खाते हो? मैं कहा जी हाँ खाते हैं। कह रहे हलवा प्रसाद तो आप खा लेते हो जो आपके हाथ में जो घी होता ना देसी घी, आप किसी पुरानी चोट पर लगा कर देखना आप। तो मैं तो बड़ा अचंभित हुआ, मैं कहा ऐसे चोट ठीक होती है क्या? तो मुझे विश्वास था नहीं, फिर भी मैंने लगा लिया। मुझे एक मैंने सिर्फ नाम लिए हुए हुआ था, तो मैंने उस हड्डी के ऊपर उस घी को रगड़ दिया और मेरा हाथ एक कंधा उतर जाता था, पहले चोट थी इसके अंदर, ये झटका मारते ही ये कंधा पूरा नीचे आ जाता था मेरा। इससे काफ़ी परेशान रहा मैं काफ़ी साल। तो सर तो मैंने वो घी लगाया दोनों जगह पर। फिर एक टाइम ऐसा आया कि मैं अपनी वैन लेके जा रहा था और ठंड का टाइम था उस टाइम में, और मेरे हाथ में इतना तेज़ पेन हो रहा था इस दर्द इस हड्डी के अंदर। तो मेरी सास थी नरेले में रहती है भवाना गांव में, तो उसने बताया था कि भाई नरेले में एक ऐसा डॉक्टर है हड्डी वाला, वो 300 रुपये लेगा एक टीके के और आपकी हड्डी के अंदर लगा देगा वो टीका, वो आपकी हड्डी बैठ जाएगी। तो मेरा ध्यान वहाँ गया, तो मैंने मम्मी को चलते चलते गाड़ी में फ़ोन किया, मम्मी ऐसे ऐसे आपने बताया था भाई 300 रुपये लेगा वो हड्डी बिठा देगा। तो मैं उनके पास फ़ोन किया, वो कह रहे हाँ बेटा कल आ जाओ। तो मेरा फिर दूसरी बार मेरा ध्यान सीधा गुरु जी की तरफ गया, सदगुरु रामपाल जी महाराज की तरफ, कि भाई ये तो झूठ बोल रहे हैं, अगर ऐसा घी लगाया था मैंने यार ऐसे प्रसाद खाया था। तो मेरा ध्यान वहीं गया, मैं परमात्मा दया करो भगवान। तो मैं घर पे अब से गाड़ी लेके सिर्फ पार्क के अंदर गाड़ी लगाई थी वैन, इतने में मैंने स्टेयरिंग ऐसे छोड़ा और चाबी लगाई, ऐसे हाथ देखा तो मेरे सामने सामने वो हड्डी ऐसे नीचे बैठती हुई नजर आई। तो मैं वहाँ डर गया एकदम से, भाई ये कैसे हो सकता है? ऐसे शटर बंद करते किसी दुकान का या दरवाज़ा बंद करते हैं, ऐसे ही वो हड्डी नीचे बैठती हुई नज़र आई और मैं घबरा गया था वहाँ पर। तो मैं अपने घर पे गया, अपनी मिसेज को बताया, अपनी पत्नी को बताया, तो उसने देखा भाई ऐसे ऐसे भी होता क्या। मैंने कहा भाई भगवान जानते हैं, परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जानते हैं। मैंने उनको याद किया था एकदम से, मेरे एकदम से 15 साल पुरानी चोट कैसे बैठ सकती है? मैंने पलस्तर करवा लिया, पट्टी दवाई खा ली मैंने, ये कैसे बैठ सकती है? मैं कहा ये तो परमात्मा का काम है फिर तो, ये छोटी मोटी शक्ति नहीं है। तो मेरा वहाँ से दृढ़ विश्वास हो गया था। और मेरे मिसिज को बहुत ज़्यादा परेशानी थी, ब्लड उनके शरीर में बहुत कम था। जब ये सदगुरु रामपाल जी महाराज का जो आश्रम है बरवाला के अंदर, उन्होंने वहाँ जाकर नाम दीक्षा ली, 6 पॉइंट पर उनका खून था, ब्लड था उनके शरीर में, और एक महीने के अंदर अंदर बिगर दवाई खाए और ज़्यादा फल फ्रूट मैंने खिला दियो ऐसा कुछ नहीं था, उनका 9 पॉइंट एक महीने के अंदर अंदर बढ़ गया। मैंने जांच करवाई थी। सर क्या आप नशा भी करते थे? हाँ सर नशा करता था सर मैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया? हाँ सर बिल्कुल छूट गया सर। बियर में बहुत ज़्यादा पीता था, घर में अपने मिसेज को बोलता था कि मेरे लिए चिकन उबाल दो, और मैं सर्दी के अंदर भी रजाई में बैठ के बियर को पीता था और मांस खाता था। तो बहुत ज़्यादा आदि था सर, मैं बहुत परेशान भी था, ऐसी हम तो बेकार की ज़िंदगी जी रहे थे। सतगुरु रामपाल जी ने महाराज ने बताया कि भाई ये तो गलत चीज़ है ये, और इससे आपकी भक्ति नहीं बन सकती, ये राक्षस खाना है, मदिरा और मांस खाना, ये राक्षस का खाना था ये। तो सर मैंने ये बियर दारू मांस मच्छी बीड़ी सिगरेट ये सब कुछ छूट गया सर मेरा। सदगुरु रामपाल जी महाराज ने बहुत दया बख्शी हमारे पे, और सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से उसी कृपया से आज हमारा परिवार बहुत सुखी है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे। पहले आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, उसके लिए आप देवी देवताओं के पास गए, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो ऐसा क्या है कि आप लोग देवी देवताओं के पास जाते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं, वहाँ ठीक नहीं होते और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके ठीक हो जाते हैं, क्या कारण है? सर ये आध्यात्मिक ज्ञान है, और जो धर्मगुरु बैठे हुए हैं संसार के अंदर, ये शास्त्र विरुद्ध साधना बताते हैं। सदगुरु रामपाल जी महाराज हमको सद्भक्ति देते हैं, सत मंत्र देते हैं, किसकी कैसे कौन से मंत्र हैं और कौन किसकी कैसे भक्ति करनी पड़ती है, और पूरे शास्त्र अनुकूल ये साधना बताते हैं, और उसके नियम जो बताते हैं परमात्मा हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज, उन नियम में रहकर अपने भक्ति करो और अपने लाभ उठाओ परमात्मा का। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर साधना चैनल है, सत्संग आता है सदगुरु रामपाल जी महाराज का, और भी बहुत से चैनल है, तो उसके नीचे एक पट्टी आती है और उसमें नंबर लिखे हुए हैं, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, और जिला वाइज और अपने अपने नाम स्थल बने हुए हैं वहाँ पर फ़ोन करके नाम स्थल का पता करके वहाँ नाम दीक्षा ले सकते हो। धन्यवाद सर। सत साहिब।